तो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से जो आप इस तरह का वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली आप कर सकते हो। काफ़ी इजी है इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना। तो गाइस आपको करना क्या होगा कि वीडियो को एंड तक देखना है और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से क्या करना है। और गाइस अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस आज का वीडियो बिना किसी देर के शुरू कर लेते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले करना है कि आपको जो है यहाँ पर क्रिएट न्यू एक्सेस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर इंपोर्ट प्रोजेक्ट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि गाइस आपको नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है आपको ये काइनमास्टर का प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह से आके यहाँ पर ओपन कर लेना है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर जो है इस प्रोजेक्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर ही आ गया, यहाँ पर जो है ये पूरा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो गाइस इंपोर्ट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आपको जो है लिरिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर जितना भी इमेज दिख रहा है, मतलब कि ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पर, इसके जगह क्या करना है कि आपको अपने इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है। तो इमेजेस को किस तरह से ऐड करना है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और जाना है यहाँ से रिप्लेस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपका जो भी इमेज रहेगा आप उसको सिंपली यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ से गाइस ये इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर फिर से हमने इस इमेज को यहाँ पर ऐड कर लिया। इसी तरह से आपको क्या करना है गाइस, सिंपली आपको आगे जाना है और यहाँ पर फिर से रिप्लेस पर क्लिक करके आपको अपना इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं सब इमेजेस को फटाफट से ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सब इमेजेस को ऐड कर लिया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो पूरा इमेजेस को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो गाइस अब आपको क्या करना है कि अपने इमेजेस में ग्राफिक ऐड करना है, ठीक है। तो गाइस आपको फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना है, ग्राफिक पे जाना और यहाँ से जो है आपको सिंपली 10 नंबर वाला ऐड कर लेना, ठीक है, हेलोवीन पार्टी से। तो गाइस हम जो ग्राफिक ऐड करने वाले हैं, एक है हेलोवीन पार्टी और एक है 16, ठीक है। तो आप दोनों ग्राफिक इस तरह से डाउनलोड करोगे गाइस, ये ग्राफिक जो है आपको काइनमास्टर के अंदर नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें लिखा होगा हाउ टू इंस्टॉल कॉल मी डीजे ग्राफिक। तो आप वीडियो को देख लेना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से कोई भी ग्राफिक काइनमास्टर के अंदर इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना, उसका ये जो हेलोवीन पार्टी से 10 नंबर वाला ऐड कर लेना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा हेलोवीन पार्टी। तो यहाँ से 10 नंबर वाला ऐड करना है, फिर अगले इमेज पर आना है सिंपली, फिर ग्राफिक पर जाना है और यहाँ पर क्या करना है गाइस, अब 16 वाला जो ग्राफिक है हमारा, यहाँ पर देख सकते हो 16 ग्राफिक, और यहाँ से 4 नंबर वाला ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपली इसी तरह से आपको फिर से आगे आना और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा एडेड है, ठीक है, हेलोवीन पार्टी से 10 नंबर वाला ऐड है। और यहाँ पर फिर से आपको आना है और यहाँ पर जो आपको फिर से 16 से ऐड कर देना है 4 नंबर वाला, ठीक है। फिर आपको आगे आना है और यहाँ से गाइस ऐड नहीं है तो आपको सिंपली ऐड करना है, फिर से यहाँ पर आके हेलोवीन पार्टी से 10 नंबर वाला ऐड कर देना है, और यहाँ से फिर आगे आना है आपको, फिर से यहाँ पर 16 से ऐड कर लेना है 4 नंबर वाला, ठीक है। उसका फिर आगे देख सकते हो हमारा यहाँ पर पूरा ग्राफिक एडेड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा अपना ग्राफिक को अच्छे से देख लेना, ऐड कर लेना है यहाँ पर, और उसके बाद जो आपको पूरा यहाँ पर जो है ग्राफिक ऐड हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर आना स्टार्टिंग पे, ठीक है। उसके बाद आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना, और यहाँ से क्या करना है कि आपको एक इफेक्ट को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला इफेक्ट को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। करने के बाद आपको सिंपली नीचे जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शन पे, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाना और सिंपली इसको स्क्रीन कर देना, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पूरा देखने को मिल जाएगा। इतना करने के बाद जो गाइस आपका पूरा एडिटिंग जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, आपको बिल्कुल सेम बन जाएगा। काफ़ी आसान है आपको इस तरह से एडिटिंग करना, क्योंकि गाइस मैंने जो यहाँ पर पहले से ही आपको आधा काम जो यहाँ पर करके दे दिया, आपको बस थोड़ा सा ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ कि वीडियो किस तरह का एडिट हुआ है। उसके बाद आपको सिंपली जाना है यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से फुल एचडी पे रख के आपको सेव पे क्लिक कर देना, तो आपका वीडियो जो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।